हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जय राम जी की एंड सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। और आप लोग देख पा रहे हो पीछे मंडप लगा हुआ गणपति जी का, और अभी हम उनका चेहरा थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। मैं तो देख चुकी हूँ पहले से, बट आप लोगों को कुछ देर बाद में दिखाऊंगी। आने पहन रखे हैं इंडियन वेयर, चूड़ियाँ वगैरह पहन रखी, बिंदी बिंदी सब अपनी ज्वेलरी वुलरी सब पहन रखी है। और आप लोग बताना कमेंट्स में कैसी लग रही हूँ। आई होप सो आप लोगों को मैं अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि मोस्टली आप देखते हो साड़ी के अंदर या वीडियोस में या फिर वेस्टर्न ड्रेस में देखते हो तो अच्छी। सूट में काफ़ी लोगों ने मुझे कम देखा है, तो आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आप लोग मुझे बताना, कमेंट्स करना कि मेरा ये लुक कैसा लगा। हमारी सब तैयारियाँ हो चुकी है और आप देख पा रहे हो कैसे तैयारी किया हमने। वो मैंने हलवा बनाया, दिखाती हूँ आप लोगों को। रिक्वेस्ट ये मैंने हलवा तैयार किया है और मैंने खुद बनाया है। मैंने पप्पा का पूरा मंडप तैयार कराया है, देखो ये वाला। ये जो हारमोनियम उसको हम थोड़ा सा वैसा बना दिया, बट ये बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही सुंदर है। हमने रात में थोड़ी मेहनत की, वैसे तो पर ये पूरा बना बनाया था, ऐसा नहीं था, पर कुछ कुछ चीज़ें हमने फ्लावर्स वगैरह हमने खुद ने भी लगाए। अभी नवेली दुल्हन की तरह हमने ले लिया दुपट्टा, हम लग रहे हैं बहुत ही सुंदर। अभी चल रही हमारी पूजा, तब पूजा कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि दुपट्टे के बिना पूजा नहीं होती है। जय हमारी आरती पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत अच्छे से हमने पूजा की। और आप लोग भी आरती ले लो, तो आप लोग की जो भी मनोकामना है सब भगवान पूरी करे। आप लोग सब बहुत ही हेल्दी स्वस्थ मस्त रहो अपनी लाइफ के अंदर, और जल्दी से पप्पा के दर्शन करो। पूजा हो चुकी कंप्लीट और हम खाना खा चुके हैं, और मस्त वाला यम्मी खाना था और प्रसाद ग्रहण किया। खाने खाने में हमारी लिपस्टिक पूरी चलेगी। मुझे लगता है मैं खाने के साथ लिपस्टिक भी खा लेती हूँ। अभी पता नहीं कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ है क्या है, मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं मतलब जैसे खाना खाती हूँ तो फटाक से मैं लिपस्टिक साथ में खा लेती हूँ, मतलब पूरी तो नहीं पर थोड़ी बहुत खा लेती हूँ। सो आप लोगों का मेरा ये कैसा लुक लग रहा है, ये मेरे झुमके कैसे लग रहे हैं, मैंने कुछ दिन पहले ही बनवाए हैं ये मेरे झुमके। ये हमारे पापा की तरफ से गिफ्ट है हमारे लिए, तो हम ऐसे ही पहन लेते हैं ये वाले झुमके, सो हमें अच्छे लगते हैं। और ये मेरी नोज रिंग कैसी लग रही है ये मुझे बताना, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में, मतलब मैं हमेशा वही पहनती हूँ, ये जो आती है ना नोज रिंग पहनती हूँ हमेशा, बट आज मैं नोज पिन पहन रखा है, तो ये फर्स्ट टाइम पहना है मैंने। क्या तो बचपन में मैंने पहने ही होंगे, मुझे याद नहीं, मम्मी बहुत फोर्स करके इतने पहनाती थी कि पहनो, फिर मैं उसको निकाल के तो फेंक देती, फिर वो कहीं ना कहीं गिर जाए, फिर मम्मी चिल्लाती कि तेरे बाप की फैक्ट्री लगी हुई है क्या, इतने पैसे हैं क्या उनके पास कि हर बार तेरे गोल्ड का नया नया बनवा के देना पड़ता है। तो बहुत सुनाती थी मम्मी उस टाइम पर। उसके बाद बिल्कुल ही, मतलब क्या आप कहते, कॉलेज टाइम से मैं बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अब वापस से फिल्म लाइन में आने के बाद मैं कहीं ना कहीं वापस से शुरू कर दिया। सो ये वाला मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, और जो मेरे दीदी भी बोल रहे थे दीदी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो आई होप्स आप लोगों को पसंद आया होगा, और कोशिश करूँगी इसमें कभी रील बनाने की। बाहर थोड़ा लेके नहीं जाती, क्योंकि गोल्ड के आइटम उतने कहीं ना कहीं डर रहता है गिर जाने का। सो गोल्ड के आइटम घर पर पहने, घर पर निकाल देती हूँ वापस से। दोस्त आए, आप लोगों को मिलाती हूँ अपने दोस्तों से, बहुत प्यारे स्वीट आ जा, वो मिलता नहीं है। आदम आदम आदम, फोटो 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 फोटो, हाय करो सबको, हाय करो, हाय करो। अरे कैसे हैं आप सब लोग, मिठाई है अभी वो खारा बोलेगा। और गलती से मुंह खोला था, एक दांत गायब, और इसके दांत ना वो चूहे लेके चले गए, बट वो मेरी तारीफ पूरी करता है, बोलता है बहुत सुंदर है। ठीक है, पसंद है आपने को, कैसी कैसी लग रही है, कैसी लग रही बताओ, ये सारे इसका बताओ। आहा, एक नंबर। पहले हाय करो, बड़ा तो यहां से शुरू होता है। बोलो मासी के चैनल को लाइक करो, मासी को चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके दांत कहाँ गए, दांत चुवाने ले गया, चुवा ले गया। क्या बोलोगे, लाइक करो, इधर बोलो लाइक करो, बोलो लाइक करो, पहले पता उसे। इसके दांतों को चूहे ले गए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पर इतनी स्पीड में कि आप लोग कम समझ में आए।
और बोला कि जितना उसके शेयर करो आप टीवी में दिखोगे। हाँ आपका तो घर पे टीवी बड़ा वाला, उसमें आप दिखोगे फिर ये वीडियो आएगा तब। हाँ बिल्कुल यहाँ पे एक क्लैप लाते हैं और रखते हैं और सोफा को दिखाते हैं मुहूर्त मंजू जी हाई करो। ब्यूटीफुल लड़की कौन है? भैया हैं हमारे लिए अच्छे से खाना बना रहे हैं, अपनी बहन के लिए बहुत प्रेम से खाना। वो हमारे दीदी हैं जो फटाफट रोटी बनाने में लगे सबके लिए। और ये हमारी स्वीटी वापस हम कर रहे हैं दोबारा शाम की आरती और हमारे सारे दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे। सब लोग हाई करो। ये हमारे डायरेक्टर साहब और ये हमारी कश्मीरी स्वामी। तो कल मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई थी, आज वापस से तैयार हो गई और ये मेरा लुक है। बहुत प्यारा सा मैंने सूट पहन रखा है और आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सीरियसली सुबह तो पूजा करनी है और वो होता ना कि जब भी पूजा करती मैं मोस्टली करती हूँ 11-12 बज जाता है अपने सुबह अर्ली मॉर्निंग 7:30 समथिंग हो रखा है। सो आज जल्दी उठी तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और कल थोड़ा सा प्रॉपरली व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि गेस्ट काफ़ी आ गए थे, उनको नाश्ता चाय पानी देने में काफ़ी टाइम लग गया था और ये सब लोग आ रहे थे जा रहे थे, गणेश जी के दर्शन कर रहे थे, तो उस चक्कर में मतलब मैं इतना टाइम नहीं दे पाई व्लॉग के लिए। सो प्लीज़ सॉरी, अच्छे से मैं नहीं कर पाई। आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आज का दिन मैं कुछ रील्स वगैरह डालूंगी, प्रॉपरली व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, काफ़ी लोग आज भी आने वाले तो वो वापस से वैसा ही हो जाएगा। तो मिलते एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय राम जी की। एंड आपको मिला देती हूँ जाने से पहले, एक मिनट। तुम मोटी से, मोटी क्या कर रहे हो? मोटी नया सूट खरीदा है अभी तक इसने। यार ये बहन ये तो कम से कम हटा लेती। हाँ, वो मेरे को नहीं, ये खत्म क्या करने वाली।